वालेकुम। एक बार फिर आ गए हैं। फिर दोस्त मार्केट अंडर पास जो बन रहा था और प्रोग्रेस काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है। मिट्टी निकाल दी है सेंटर में से, साइड से शटरिंग भी हटा दी उन्होंने। गैस के पाइप की एडजस्टमेंट जो है वो प्रोजेक्ट बनने के बाद ही कुछ होगी। और ये देख लें, बारिश हुई है, अंडर पास में पानी भर गया है। बारिशों ने जो बहुत तंग किया। ये प्लाजा भी देख लें, एक नया शाहकार यहाँ खड़ा हो रहा है और काफ़ी सारा पानी इन्होंने जो है वो काफ़ी सारी मिट्टी निकाल दी है। ये मैं झुक नहीं सकता, फ़ोन ना गिर जाए, मैं ना गिर जाऊँ। ये देखें बारिश ने क्या असर किया हुआ है, सारा कुछ ऊपर नीचे किया हुआ। ये सेवरेज के पाइप आ गए, साइड में सेवरेज के पाइप डल जाएंगे तो बारिश के दौरान जो अंडरपास में पानी जमा था उसे निकालने के लिए जो वो एक पाइपलाइन चाहिए होती है, ये पाइपलाइन उसी लिए डल रही है। रबड़ के पाइप्स हैं, आजकल इनका ही ट्रेंड चल रहा है और ये बड़े कारामद हैं। फिरोजपुर रोड पर भी जो साइड में ड्रेनेज बनी हुई है वहाँ पर भी यही डले हुए। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, वहाँ चल के देखते हैं कि ये उस तरफ से इन्होंने मिट्टी निकाल ली कि नहीं निकाल ली। ये देखें, हमें मालम रोड पे इनका साइट ऑफिस बना हुआ है वो सामने इस प्लाजे का। बहुत ही खामोशी है यहाँ सुबह सुबह। मेरी चप्पल गंदी हो जानी है, मैं सुबह सुबह उठ के नींद नहीं आ रही तो बाहर निकला हूँ नाश्ता करने के लिए। मैंने कहा चलो जो थोड़ा थोड़ा शूट भी कर लेते हैं इसको। ये जनाब इन्होंने मशीन खड़ी की है, इंटर जा रहे हैं उसी साइट, आ रहे हैं हम उस साइड, चप्पल ना ख़राब हो जाए, पूरी भरपूर कोशिश है हमारी। ये देखें जी, इस तरफ शटरिंग लग रही है क्योंकि जो पिलर्स इन्होंने ड्रिल किए थे यहाँ पे, उन पिलर्स को अब शटरिंग करके इन्होंने बिल्कुल प्लेन करना है, जैसे उस तरफ किया है एक साइड का कर लिया है। ये सेंट्रल पार्ट भी इन्होंने सेट कर लिया है, वो पिलर काफ़ी नीचे तक गया हुआ है यार। इट्स वी एंड वेरी नियर टू बी कम्प्लीट, इट विल टेक नियर अबाउट 15 to 20 days टू कम्प्लीट फर्निश एंड ऑपरेशनल। देखते हैं क्या होता है। ये कितने सारे क्लम्स पड़े हुए हैं। वो एक भाई मोटरसाइकिल लेके पानी में से गुजरने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आजा 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 बच्चे, आजा आजा, जोर लगा जोर लगा और जोर लगा, निकल आया रे।